एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कपिल नगर पुलिस थाने में एक व्यक्ति की हुई मौत। महानगर पालिका में ओबीसी की 35 सीटें खतरे में। एसटी के 8 बसों ने लगाए 26 फेरे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मां से मारपीट कर स्वयं पुलिस थाने पहुंचे एक युवक की थाने में गिरकर मौत हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत होने का प्राथमिक अनुमान है। तकनीकी रूप से यह मामला कस्टडी डेट का होने से पुलिस ने सीआईडी को जांच के लिए पत्र लिखा है। मृतक का नाम रवि मोहन लाल पारदी है। वह प्लम्बर था और कपिल नगर के जोशी गार्डन के पास रहता था। रवि को शराब व गांजे की बहुत लत थी। पैसे मिलते ही वह शराब गांजे में उड़ा देता था। शराब पीने के बाद उसे कोई होश नहीं रहता था। वह परिवार के सदस्यों सहित वृद्ध माँ बाप से मारपीट करता था। सोमवार की रात उसने नशे में अपनी माँ की पाइप से पिटाई की। इसके बाद वह स्वयं शिकायत करने के लिए कपिल नगर थाने पहुंच गया। उसके पीछे उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए। उसके पिता ने कहा कि रवि ने उसकी माँ की बेरहमी से पिटाई की है। रवि थाने में ही चिल्लाने लगा। पहले बाहर के बेंच पर और फिर डीबी रूम में उसे बिठाया गया। रात 10:30 पर पिता शिकायत दर्ज करा रहे थे तो रवि जोर से चिल्लाकर थाने से बाहर जाने लगा और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से रवि ऐसा कर रहा था। पुलिस ने उसे बाजू में बैठाने का प्रयास किया। उसकी तबीयत खराब होती देख पुलिस उसे उपचार के लिए परिजनों के साथ मेयो अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने कपिल नगर थाने पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज जांचे, पुलिस और परिजनों के बयान भी लिए। अधिकारियों का कहना है कि सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। अगली खबर, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को स्थगित रखा है। इस परिस्थिति में चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित 35 सीटें खतरे में पड़ सकती है। पार्षदों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए 37 सीटें होंगी। इससे ओबीसी प्रवर्ग के पार्षद व इच्छुक उम्मीदवारों में चिंता के साथ ही भारी नाराजगी है। वर्तमान में नागपुर महानगर पालिका में 151 पार्षद है। 50% आरक्षण की बात करें तो ओबीसी के 35, अनुसूचित जाति के 31, अनुसूचित जनजाति के 12 सीटें आरक्षित हैं। अगली खबर, एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि अब धीरे धीरे बसों का संचालन शुरू हो रहा है। मंगलवार को गणेशपेट बस स्टैंड से कुल 8 बसों का संचालन किया गया। एसटी में सुबह से शुरू हुई बसों ने देर शाम तक कुल 26 फेरे लगाए। एक दिन पहले एसटी बस स्टैंड से सावनेर के लिए 2 बसें चलाकर इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं मंगलवार को रामटेक, काटोल, सावनेर, उमरेड और भंडारा के लिए 8 बसें चलाई गई। बसों की संख्या 1-2 दिन में और बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।